Hello everyone, I am Mrs. Roma Singh, Chief Dietitian at Christian Medical College and Hospital, Ludhiana. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे डाइट इन डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। कैसे होती है ये डायबिटीज़ जो है वो कैसे किसी को हो जाती है? उसके कई कारण होते हैं। इसमें एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी होता है। यदि हम हमेशा बैठे रहते हैं, हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो अनहेल्दी है, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कोई भी मात्रा में हम खा लेते हैं, और कोई एक्सरसाइज यदि हम नहीं करते हैं तो हो सकता है। यदि हमारी फैमिली में भी डायबिटीज़ है तो भी हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें डायबिटीज़ होगी। तो इसलिए हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें। यदि हमारी एज 45 ईयर्स से भी ज़्यादा है तो भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हुए कुछ कारण जिनकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, वो ये है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि डायबिटीज़ हो गई है किसी। ये बहुत सिंपल इसका आंसर ये है कि जब हमें किसी पेशेंट को नया डायबिटीज़ डायग्नोज होना होता है, हो रहा होता है, उस समय वो पेशेंट आके हमें बोलता है कि बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ती है, रात में उठना पड़ता है, या भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये बहुत सिंपल से जो सिम्टम्स हैं पेशेंट्स आके हमें बोलते हैं। इनको यदि हम मेडिकल टर्म्स में बोलें तो पॉलीयूरिया, जो कि बार बार यूरिन का आना, पॉलीफेजिया मतलब अधिक भूख लगना, और पॉलीडिप्सिया यदि हम बोलते हैं तो उसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो उसका मतलब ये है कि हमें प्यास अधिक लगना। सो ये सिम्टम जो है ये बहुत कॉमन है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जख्म होता है वो जल्दी नहीं भरता है, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और ओवरवेट यदि पेशेंट है तो उसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको डायबिटीज़ होने के। अगला क्वेश्चन मेरे से जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट डायबिटीज़, हम डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो जहाँ पे जो कारण होते हैं वहीं पे हमको हमारा सिम्टम भी या हमें उसका सोल्यूशन भी मिल रहा होता है। कि जहाँ तक हम हो सके अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, अपने आप को कम से कम 45 मिनट तक फिज़िकली एक्टिव रखें, वॉक करें, फिज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएं, और जो हमारा वेट है वो हमारे हाइट के हिसाब से मैनेज होता है। सो हमारी हाइट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपना वेट नॉर्मल से थोड़ा सा कम रखें, वो एडवाइजेबल होता है। उसमें ये होता है कि आप कभी कभी थोड़ा सा मार्जिन है आपके पास कि यदि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज़्यादा घी तेल वगैरह नहीं खाना है, और जिसकी वजह से वेट बढ़ सकता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी हम डाइट के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। यदि किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, वो डायग्नोस हो चुकी है, और उस केस में जानते हुए भी यदि पेशेंट अपना ध्यान नहीं रखता है, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव नहीं रखता है, और खाने पीने में कोई परहेज नहीं रखता है, तो शुगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है उस केस में ये हमारे कई शरीर के कई अंगों को असर कर सकती है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारी किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं, हमारा हार्ट अफेक्ट हो सकता है, हमारे नर्व्स जो होती हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, और हमारे जो आइज हैं उसके ऊपर असर पड़ सकता है। और इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोल सकते हैं, जब ये किडनीज को अफेक्ट करता है तो ये नेफ्रोपैथी कहलाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और जब वो आईज को अफेक्ट करता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इसको बोला जाता है, और इस तरीके से जब वो हमारे नर्व्स वगैरह को होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। सो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी शुगर जितनी नॉर्मल है उसके आसपास ही रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। उसको कंट्रोल रखने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये हुए हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से हो जाते हैं। इसमें एक स्ट्रोक भी है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए इन सब बीमारियों से, इन सब तकलीफ़ों से बचने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जितना नॉर्मल के आसपास हो उतना मेंटेन करके रखिए, ताकि
आप इन कॉम्प्लिकेशन से बढ़ सकें। पर यदि आपने जरा सा भी यहाँ पे निग्लेक्ट किया और ध्यान नहीं दिया कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं, आप ये ना सोचें कि मैं थोड़ी सी दवाई ज़्यादा खा लूँगा या थोड़ा सा इंजेक्शन में यूनिट बढ़ा लूँगा, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। वो टाइम बीइंग के लिए होता है, आपने वो बिल्कुल अपने हाथ में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन जो मेरे से लोग पूछते हैं वो ये है कि हाउ डू आई मैनेज डायबिटीज़। बहुत सिंपल है, तीन तरीके से आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइट एंड एक्सरसाइज। जब आप न्यूली डिटेक्टेड होते हैं उस समय आपको डॉक्टर स्ट्रेट अवे मेडिसिन पे या इंसुलिन पे नहीं डालते हैं, आपको मौका दिया जाता है। डॉक्टर्स आपको हमेशा एडवाइस करेंगे कि आप अपना डाइट और एक्सरसाइज से अपना ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो ये है कि हाउ डू आई मैनेज डायबिटीज़। इसका आंसर बहुत सिंपल है, तीन तरीके से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला ये है डाइट एंड एक्सरसाइज। यदि आप अपना डाइट कंट्रोल रखें, किसी डाइटिशियन से मिले, अपने लिए प्रॉपरली अपने हाइट वेट के हिसाब से अपने लिए डाइट चार्ट बनवा लें, पहला ये होगा। और एक्सरसाइज में अपने आप को एंगेज रखें, कम से कम 45 मिनट्स का एक्सरसाइज या वॉक या फास्ट वॉकिंग या जॉगिंग, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो कम से कम आपको रोज़ कम से कम 5 या 6 दिन तक हफ्ते में आपको करना जरूरी है। दूसरा है डाइट एक्सरसाइज एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो कि मेडिसिन होती हैं और वो डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, हम नहीं बोलते हैं। सो इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से मिले और जो भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स हैं उसके हिसाब से जो मेडिकेशंस आपको डॉक्टर देते हैं उनको टाइम टू टाइम आप लें, जैसा आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। तीसरा होता है डाइट एक्सरसाइज और इंसुलिन। जब कई तरह की डायबिटीज़ होती हैं, जैसे जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना कोई इलाज नहीं होता है। और यदि अनकंट्रोल स्टेजेस में पहुंच गई है और वो मेडिसिन से नहीं कंट्रोल हो रही है, उस केस में भी एडल्टहुड में भी इंसुलिन डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आपने नोट किया होगा कि इसमें डाइट और एक्सरसाइज जो हैं ये सेंट्रल पिलर है। सो अकेला मेडिसिन से आपका आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती है, मेडिसिन के साथ साथ में आपको डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो डाइट में अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ लेना है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो मेरे से कॉमनली पूछे जाते हैं वो ये हैं कि व्हाट कैन आई ईट इफ़ आई हैव डायबिटीज़। बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। एक ये बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं 2 या 4 लाइन में इस वीडियो में समराइज नहीं कर पाऊंगी। सो समरी में आपको मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड्स जो होते हैं वो आप खा सकते हो, बट अगेन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कौन सा फूड कितनी मात्रा में आपको खाना चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए हर एक जो डाइट डायबिटीज़ के लिए बनाई जाती है पेशेंट के लिए वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, या आप कह लीजिए टेलर मेड होती है। तो जो भी पेशेंट ABCD आता है, हर एक की डाइट जो होती है वो अलग होती है। सो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी को डाइट चार्ट आपके घर में मिला हुआ है तो वो आप ब्लाइंडली प्लीज़ फॉलो ना करिए, क्योंकि वो उसके एज, हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से प्लान किया गया है। सो इसलिए अपना डाइट जो है, प्रिस्क्रिप्शन जो है, प्रॉपरली किसी डाइटिशियन से प्लान करवाइए, ताकि आपको उसका अपने हिसाब से, अपनी फिजिकल स्टेटस के हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ में आप अपना मेडिसिन जो आपको बोला जा रहा है, आपको डॉक्टर्स ने बताया, उसको आप लेते रहें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्टली लोग आजकल फॉलो नहीं करते हैं, वो है लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। हम एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं, जो कि सही नहीं है। उस वजह से हमारा वेट बढ़ता है, हम बैठे बैठे काम करते हैं, या मोस्टली हमारी जॉब्स भी जो होती है वो सेडेंटरी होती है, मतलब बैठे बैठे करने वाली होती है, उससे आपका वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने से अगेन आपका ब्लड शुगर लेवल्स यहाँ पे अनकंट्रोल होने के चांसेस होते हैं। सो अच्छा ये होगा कि आप एक्सरसाइज में अपने आप को एंगेज रखें, रेगुलरली करें, अपना वेट कंट्रोल करके रखें, और कोई भी मील जो है वो डायबिटिक पेशेंट को स्किप नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि एक भी मील मिस ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप कोई मील मिस करते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स एकदम कम होने के चांसेस होते हैं, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है।
समय समय पर भोजन करें और इस तरीके से सारे दिन भर की कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि आपका आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनको कि आप खा सकते हो और उससे आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। सो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को बचाएँ ताकि स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को दूर रखें या कोई ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो ब्लड शुगर लेवल्स आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है, ये आप घर में कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अपना ब्लड शुगर खुद ही बहुत सारी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हो और अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर बेसिस पे घर पे मॉनिटर करिए। और वो जब नेक्स्ट टाइम आप विजिट पर आते हो डॉक्टर्स के साथ मिलने के लिए तो उसमें आप वो अपना चार्ट लेके आइए, शेयर विथ योर डॉक्टर। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। सो आप कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।